हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज बात करेंगे स्टूडेंट्स क्लास 11th में उर्दू लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक जो है आपका रहेगा मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की गजल। गालिब की सवाने याद मैंने काफी दो तीन बार बता दी है। हमारे YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में दो तीन वीडियो मैंने इसकी बना दी है गालिब की सवाने याद की। तो वहां जाके आप इनकी सवाने याद देख सकते हैं। सवाने याद मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं इन्होंने जो गजल लिखी है उस गजल को मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इनकी गजल है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बक रहा हूं जनू में क्या क्या कुछ, बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई, कुछ समझे खुदा करे कोई। बात पर वहां जबान कटती है, बात पर वहां जबान कटती है, वो कहे और सुना करे कोई, और सुना करे कोई। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, पहले ये तीन बता देता हूं मैं आपको। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। देखिए, ये शायर की गजल जो है, गजल को लिखने का जो तरीका होता है उसके मिसरों को, वो कहलाती है गजल की हियत। हियत का मतलब यहाँ बनावट से, यानी शायर जो गजल को लिखता है, बयान करता है, उन मिसरों को जैसे लिखता है, वो कहलाती है हियत या बनावट। कहीं आपने देखा होगा इस तरीके से गजल लिखी जाए, शेर लिखे जाते हैं ऊपर नीचे, कहीं आपने देखा होगा ऐसे आमने सामने लिखे जाते हैं। और यहाँ जो ये गजल में शेर लिखे गए हैं वो किस तरीके से, एक शेर इधर, मिसरा इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरीके से ये गजल की हियत हो गई। हियत का मतलब मिसरों की जो बनावट है, मिसरों को लिखने का जो तरीका है, वो हियत कहलाती है। तो यहां देखिए शायर क्या कह रहा है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। पहले ये देखिए इब्ने मरियम क्या है। मरियम, मरियम मतलब ईसा अलैहि सलाम की वालिदा का नाम था मरियम, और ईसा अलैहि सलाम अपने बाप के नाम से नहीं पहचाने जाते, क्योंकि इनको अल्लाह ने ऐसी सिफात दी थी कि ये अपनी माँ की पेट में कुदरती तौर पर ही ये पैदा हो गए थे, तो इसलिए इब्ने मरियम कहा जाता है। तो इब्ने मरियम का मतलब ये हो गया ईसा अलैहि सलाम। हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने एक मौजजा दिया था, वो किसी मुर्दे को यूं कह देते कि कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, तो वो मुर्दा खड़ा हो जाता। यानी उनकी जबान में अल्लाह ने ऐसी तासीर दी थी कि वो मुर्दों को भी खड़ा कर देते, एक बार बोलते अगर वो खड़ा हो जाता तो ठीक है, नहीं तो वो आगे चल देते थे। यानी ईसा अलैहि सलाम को ईसा मसीह कहा जाता है। मसीह इसलिए है क्योंकि वो गरीबों के मसीहा थे, गरीबों की का इलाज करते थे, मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे, यानी उनके पास हर तरह का इलाज था। तो यहाँ गालिब एक बात कह रहे हैं कि मैं तो ईसा अलैहि सलाम को तब मानूं कि वो गरीबों का इलाज करते हैं, मसीहा है, उनको मसीहा मैं तब मानूं जब वो मेरे दुख की दवा कर दें। यानी मेरा दुख जो है वो मोहब्बत का दुख है, मोहब्बत का गम है, और मुझे यकीन है कि मेरे इस गम का इलाज ईसा मसीह के पास भी नहीं होगा। इसलिए गालिब फरमाते हैं कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मैं
इब्ने मरियम अगर वाकई इब्ने मरियम है, ईसा मसीह अगर वाकई ईसा मसीह है, तो मैं ये जब जानूंगा जब वो मेरे दुख का क्या कर दें, इलाज कर दे, मेरे दुख का इलाज कर दे, मतलब यानी मेरे दुख की दवा कर दे। मेरा दुख इश्क का दुख है और ये इश्क का दुख है, कोई मामूली दुख नहीं होता है, और मुझे यकीन है कि इस गम का इलाज उनके पास भी नहीं होगा। बक रहा हूं जनू में क्या क्या कुछ, जुनू का मतलब होता है पागलपन, जुनू का मतलब होता है पागलपन, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। तो यहाँ गालिब एक का अंदाज ऐसा है, गालिब कह रहे हैं कि मैं इश्क में इस कदर मजनू, इस कदर पागल हो गया हूं कि मुझे खुद को ही खबर नहीं है कि मैं क्या बक रहा हूं, मेरे मुंह से क्या अल्फाज निकल रहे हैं। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि मैंने पागलपन में जो भी अल्फाज करें, खुदा करे कोई भी उसको समझ ना पाए और किसी के भी वो अल्फाज समझ में ना आए, तब तो मेरी वो इज्जत बच जाएगी, क्योंकि मैं इश्क में इस कदर पागल हो गया हूं कि इस पागलपन में मैं ना जाने क्या क्या बक रहा हूं, मुझे खुद को ही खबर नहीं है। इसलिए मैं दुआ करता हूं कि मेरे इस पागलपन में मैंने जो जो कहा है, खुदा करे इस पागलपन में कहे गए अल्फाज को कोई भी नहीं समझे। ये दुआ कर रहे हैं कि बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ, यानी पागलपन में मैं ना जाने क्या क्या बक रहा हूं, मैं इश्क में इस कदर पागल हो गया हूं कि इस पागलपन में मैं ना जाने क्या क्या बक रहा हूं, और मैं खुदा से दुआ करता हूं कि इस पागलपन में मैंने जो भी अल्फाज करके किए हैं वो खुदा करे कोई भी उस अल्फाज को ना समझे। बात पर वहां जबान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई। तो यहां देखिए वो का मतलब महबूब से, वहां का मतलब वहां, वहां का मतलब भी महबूब से। तो शायर कह रहा है कि मेरा महबूब इस कदर बातुना है, इस कदर बात करता है कि जब भी उसके सामने मैं बात करने की कोशिश करता हूं तो वो मेरी बात को, जबान काटना का मतलब ऐसा नहीं कि वो जबान काट रहा है, जबान काटना मतलब मेरी बात को काट करके खुद बात करना शुरू कर देता है। यानी जब भी मैं अपने महबूब के सामने बातें करता हूं और महबूब की मैं सुनता जाता हूं, जब मैं खुद कुछ बोलना चाहता हूं तो मेरा महबूब मेरी बातें काट देता है और बस मैं महबूब की ही क्या करते जाता हूं, सुनता जाता हूं। यानी मुराद ये है कि मेरा महबूब मुझे बोलने ही नहीं देता, सिर्फ खुद ही खुद बोलता है। ये बात है यहां पर। नेक्स्ट अगले शेर में मैं आपको बात लिखता हूं, उसके बारे में बताता हूं। अगला शेर है कि कौन है जो नहीं है हाजतमंद, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई, किसकी हाजत रवा करे कोई। जब तवक्को ही उड़ गई गालिब, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई, क्यों किसी का गिला करे कोई। ये लास्ट के दो शेर हो रहे हैं जो मैंने यहां लिखे हैं। पांच शेर हैं इस गजल में जो आपके सिलेबस में मौजूद है, मिर्जा गालिब की गजल। उन तीन मिश्रों शेर की तशरीह मैंने करवा दी है, चौथा मिश्रा देखो क्या है, चौथा शेर क्या है। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, हाजतमंद का मतलब होता है जरूरतमंद, जरूरतमंद। हाजत रवा मतलब जरूरत को पूरा करना, जरूरत को पूरा करना। शायर क्या कह रहा है यहां पर देखिए कि इस दुनिया में आखिर कौन है जो हाजतमंद नहीं है, यानी इस दुनिया में हर इंसान क्या है, हाजतमंद है, जरूरतमंद है। लेकिन शायर यहां फरमा रहा है कि आखिर हमारे पास भी इतने असबाब नहीं है कि हम किस किस की हाजत को पूरा करें। सवाल ये है कि अब हम किस किस की हाजत को पूरा करें, यानी किस किस को किस जरूरतों को पूरा करें। तो मतलब ये है शायर का कहने का कि इस दुनिया में इस कदर लोग जरूरतमंद है कि लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि तमाम इंसान क्या है, जरूरतमंद है। अब लोगों के सामने ये मसला पेश आता है कि वो किसकी जरूरत करें और किसकी जरूरत को पूरा ना करें। तो ये बात यहाँ कही है कि कौन है जो नहीं है हाजतमंद। शायर फरमा रहा है कि इस दुनिया में आखिर कौन शख्स है जो जरूरतमंद नहीं है। मुराद ये है कि इस दुनिया में तो हर शख्स जरूरतमंद है,
अब मसला ये है कि हम किसकी जरूरत को पूरा करें और किसकी जरूरत को पूरा ना करें, ये हमारे समझ में नहीं आता है। लास्ट की बात शायर मक्ता आई है, लास्ट का शेर ध्यान रखना, गजल का आखिरी शेर मक्ता होता है और इस मक्ते में शायर क्या करता है, अपना तखल्लुस, तखल्लुस मतलब अपना नाम इस्तेमाल करता है। तखल्लुस का मतलब क्या हुआ, अपना नाम इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर शायर अपना तखल्लुस यानी अपना नाम इस्तेमाल कर रहा है कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब क्यों किसी का गिला करे कोई। तो शायर गालिब फरमाते हैं अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि महबूब तवक्को, तवक्को का मतलब यकीन, कि महबूब जब तुम्हारा यकीन हम पर से उठ ही गया है यानी अब जब तुम हम पे यकीन ही नहीं करते तो अब हम तुमसे किस मुंह से गिला करें, यानी अब हम तुमसे कैसे शिकायत करें, यानी जब तुम हम पे यकीन ही नहीं करते हो तो अब हम तुमसे किस बात की शिकायत कर सकते हैं, यानी अब हम तुमको कुछ भी नहीं कहने के हकदार हैं क्योंकि तुम हम पे यकीन ही नहीं करते, तुम्हारा जो यकीन है वो हम पर से बिल्कुल उठ गया है, इसलिए अब हम किस मुंह से तुमको यकीन दिलाएं, किस मुंह से हम तुमको शिकायत करें क्योंकि तुम्हारा जो यकीन है वो हम पर से अब उठ गया है। तो ये थी गालिब की गजल की तशरीह जो मैंने यहाँ एक एक शेर वन बाई वन कराया है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप बार बार इसको देखोगे तो हर शेर की तशरीह समझ में आएगी। मैंने यहाँ लिख कर और इसके मीनिंग्स आपको बताए हैं और समझाया है कि एक शायर क्या कहना चाह रहा है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात करेंगे।